हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम चलेंगे केमिस्ट्री का, सीबीएसई बोर्ड 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत ही इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का डायरेक्ट हम टॉपिक भी चलेंगे और एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को इजी वे में करके आसानी तरीके से समझेंगे। तो पहला क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक तो आपका हो गया चैप्टर। अब उसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन, नाम से ही जाहिर है केमिकल रिएक्शन। और मैं बार बार बोलता हूँ, हजार बार बोलता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं बोर्ड में कम मार्क्स आएगा, बिल्कुल किसी का कम मार्क्स आने वाला नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बोर्ड बिल्कुल हमारे करीब है। इन्हीं को देखते हुए स्टूडेंट को हेल्पफुल, मतलब इजी वे से बुक का समझाने के लिए आईआईटी वाला ने एक सुपर बैच स्टार्ट किया है, जो 1 दिसंबर से हमारा लॉन्च हुआ है और इसी दिसंबर में क्लोज जाएगा। उसके हर एक वीडियो देख के हमारे स्टूडेंट को बहुत ही इजी और ट्रिक से बता के उनके एक एक चैप्टर वाइज का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन वीडियो लेक्चर और फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। A chemical reaction is a change in one or more substance or reaction or react to form new substance with entirely different property. मतलब इनका क्या होगा, सुनो पहले क्या देखो। A chemical reaction change, क्या लिखा है, change लिखा है, change। इस change को आप देखिए क्या change हो रहा है और किसमें, one or more substance, एक या एक से अधिक सबस्टेंस होंगे ना, रिएक्शन होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और क्या बनाएंगे वो, न्यू सबस्टेंस बनाएंगे ना। इधर देखिए और इसमें देखो, मतलब इंटरनली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी पूर्ण रूप से क्या होगी, अलग होगी ना। जैसे चेंज मतलब क्या होता है, देखो एक पेपर ले लो, क्या ले लो, एक बड़ा सा पेपर ले लिया, बड़ा सा पेपर ले लिया, ले लिया, इसको हम दो टुकड़े में करते हैं, क्या कर दिए, दो टुकड़े, क्या कर दिया, दो टुकड़े में, इधर देखो दो टुकड़े में क्या, इस पेपर को, और सुनो फिर एक पेपर लेते हैं, या इसी पेपर को लेते हैं, इसी पेपर को लेते हैं, यहां पे ले लिया, इनको क्या कर दिया, बर्न कर दिया, क्या कर दिया, बर्न, क्या कर दिया, बर्न, जला दिया ना, हीट मतलब जला दिया। अब जलने के बाद ये क्या हो जाएंगे, रॉक बन जाएंगे, मतलब जो भी हो एस बन जाएंगे, क्या बनेंगे, एस बनेंगे ना, रॉक बनेंगे। एक पेपर देखो चेंज का मतलब हम समझेंगे, पहले क्या हम समझेंगे, चेंज का मतलब, और चेंज का मतलब क्या होता है, पहले देखो आप हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, इन पेपर को दो टुकड़ों में क्या करेंगे, बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, आप बोल तो फाड़ देंगे, फिर दूसरे वही पेपर यहाँ पे देखिए उनको क्या करेंगे, जला देंगे। अब देखो अब यहाँ का पढ़ो, एक केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्शन और रिएक्टेंट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, न्यू तो बन ही रहे ना, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। अब देखो ये जल रहा है तो क्या है, एस बन रहा है ना, रॉक बन रही थी भी नहीं हुआ, अब इसको देखो फाड़ रहे हैं ना, फाड़ दे रहे हैं इनको, इनको दो टुकड़े में बढ़ जा रहे हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में इनको हम फाड़ दिया, लेकिन जब इनको इस कंडीशन में डालेंगे, इस कंडीशन में डालेंगे, लेप कर देंगे ना, क्या करेंगे, लेप करेंगे, लेप मतलब सटा देंगे, फिर से वो जुड़ के क्या आ जाएगा, पेपर बन जाएगा, पेपर बन जाएगा ना। अब यहाँ पे जो हम लिए हैं इस पेपर को, इस पेपर को हम क्या किया, फाड़ दिया, फाड़ देंगे दो टुकड़ों में, बट उनको ऐड कर सकते हैं ना, मतलब रिएक्शन से एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को फिर क्या, सपोज मानो ऐड करके फिर रिएक्शन बना रहे ना, बन रहा है आसानी से, बन रहा है। अब इसमें देखो इस पेपर को क्या करेंगे, इस पेपर को आप देखो ये पेपर है, इसको हम जला देंगे, क्या करेंगे, जला देंगे, और ये क्या बन गया, राख बन गया, क्या बन गया, राख बन गया। अब ये पेपर जो ऊपर वाला है जिनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब फाड़ दिया था, वो तो जब लेप करके सटाने के बाद, किसी तरह ऐड करने के बाद वो पेपर बन
लेकिन ये जो राफ हुआ है जिनको जलाया गया है ये तो पेपर नहीं बनेंगे ना, ये तो पेपर नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है, फिर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा ना। अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ जब चला जा रहा है राख, बट राख से पेपर नहीं बन पा रहा है, राख से पेपर नहीं बन पा रहा ना, वो क्या बन रहा है, न्यू सब्सटेंसेस बन रहा ना। अब यहाँ पे ये तो पेपर वापस होके क्या बन रहा है, पेपर बन जाए लेट करने के बाद, और ये क्या बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है ना, क्या बन रहा है, राख जा रहा है। और राख से भाई कैसे पेपर बनाओगे, राख से पेपर बन ही नहीं सकता, तो उनके क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन चेंज हो गए ना। मतलब ये चेंज का मतलब ये, ये पेपर को इनको फाड़ दो, फाड़ने के बाद दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, जब डिवाइड हो गए फाड़ने के बाद ऑलरेडी डिवाइड हो गए, अब डिवाइड हो गए तो उनको लेप करके डायरेक्ट हम किसमें ला देंगे, डायरेक्ट किसमें ला देंगे, डायरेक्ट फिर से पेपर बना देंगे, एक बड़ा बड़ा पेपर बना देंगे। बट ये जो पेपर जलाया गया है, बर्न किया गया, ये तो ऐश बन रहा है ना, राख बन रहा है ना, इनको तो हम क्या करेंगे, पेपर तो डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे ना, तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द रिएक्शन स्पेसिस, उसमें देखो मॉलिक्यूल्स हो एटम हो, रिएक्शन स्पेसिस उसमें क्या होते हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे एटम होते हैं, चाहे आयंस होते हैं, नोन एज रिएक्शन, वही क्या कहलाते हैं, रिएक्शन कहलाते हैं ना। अब देखो सब रिएक्शन और नोन एज रिएक्शन, और रिएक्शन देखो एक स्टार्ट पॉइंट करके देखो, देखो द सब्सटेंस अंडर द चार्ज इन द केमिकल रिएक्शन एंड न्यू स्पेसिस फॉर्म एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो रिएक्शन कराते हैं ना, जो देखो ये ब्रेक, देखो रिएक्शन और ब्रैकेट में करके लिखा गया है द सब्सटेंस अंडर गो चार्ज, मतलब उसमें चार्ज, चार्ज इन द केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं ना, न्यू स्पेसिस फॉर्म, जब एक नई स्पेसिस बनती है ना तो वही क्या होता है उसका प्रोडक्ट होता है ना। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो Na है और प्लस Cl, अब देखो Na प्लस Cl है ना, अब ये क्या बन रहा है, Na Cl2 बन रहा है ना, Na प्लस Cl2, अब ये मिला के क्या बन रहा है, मतलब NaCl, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है ना, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। इनको दो टुकड़े में फाड़ दिया जाए, बट इनको सटा के आप क्या कर सकते हो, पेपर बना सकते हो, बट ये जो पेपर है इनको बर्न करके ऐश बना दिया जाए, राख बना दिया जाए, बस हमें, बट हम इनको क्या कर सकते, सटा नहीं सकते। और जो देखो सटा नहीं सकते तो क्या हुआ, ये केमिकल, अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना जब ये सटेंगे तो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, दो देखो कोई एटम की स्पेसिस हो ना, एटम की क्या हो, स्पेसिस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, वो आयन हो, ये सब मिल के ना एक नया सब्सटेंस बना देना, नया सब्सटेंस फॉर्म कर देना, वही क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वही क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आपको इतना समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आप इसी लॉजिक से पढ़ते चलेंगे। अब देखो इनमें कौन कौन से ना फैक्ट पार्टिसिपेट होते हैं, कौन कौन से फैक्ट पार्टिसिपेट होते हैं उनको हम देखें। तो अब देखो इनमें क्या करेंगे ना, अभी तो हमने पढ़ लिया, अब इनमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ना, अब आइडेंटिफाई या केमिकल रिएक्शन, अब भाई केमिकल रिएक्शन है ना, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन करें ना, क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे, क्या बनेगा, क्या निकलेगा, क्या चेंजेस होंगे, राइट, ये क्या होगा, इनके सब आइडेंटिफिकेशन। तो इनमें देखो अब जैसे उसमें देखो एक मिनट, उसमें वीडियो में हम बोल रहे थे, अब जैसे एन ए है ना सॉलिड शेप में, एच टू किस में, लिक्विड में ना, या ऐसे जोड़ो लिक्विड लिखने की जरूरत नहीं, लिक्विड में ना एन ए हो चुका है, एच टू एस, एच टू गैस निकल रहा है, Na सॉलिड प्लस H2O का रिएक्शन कराएंगे, तो देखो ये तो रिएक्टेंट हो गया ना, अब रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, NaOH एक्वस में, और H2 गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही ना। देखो जब भी H2 गैस निकल रही है ना, तो प्रोसेस क्या होता है ना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बहुत बड़ा एनर्जी निकल रही है ना, मतलब विस्फोट हो रहा है ना H2,
वो क्या होता है एक्सोथर्मिक, उस पर हम बाद में उस बात पे बाद में आएंगे राइट। अभी के लिए समझो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला चेंज इन स्टेट, स्टेट क्या हो जा रही है चेंज हो रही है ना, स्टेट क्या हो रही है चेंज हो रही है। देखो इसमें सॉल्यूशन में था ना और इसको सिलेक्शन करने के बाद इनने वैसे जोड़ी है उसी में है ना, तो किस में आ रहा है एक क्वेश्चन इस रीजन समझिए वो क्या रहा है एक क्वेश्चन में ना, तो स्टेट में क्या हो रही है चेंज हो रही है ना, स्टेट क्या हो रही है चेंज हो रही है। दूसरा चेंज इन कलर, इनमें क्या होते हैं ना कलर भी चेंज होते हैं, क्या होते हैं ना कलर भी चेंज होते हैं राइट। अब देखिए इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस, इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस, अब इनको ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में इसी रिएक्शन समझते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस H2 क्या निकल रही है गैस, भाई कुछ ना कुछ गैस निकलेगी, कुछ ना कुछ गैस निकलेगी सर बिल्कुल निकलेगी। तो क्या आइडेंटिफिकेशन में क्या आ गया इवैल्यूएशन ऑफ गैस और सच में क्या गैस निकलेगी ना। दूसरा देखिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तो चेंज होंगे ना, कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज होंगे, क्या हो जाएंगे इनका टेम्परेचर में रिएक्शन कर रहा है ज्यादा है इनमें कम हो जाए या इनमें कम हो जाए इनमें ज्यादा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं ना, टेम्परेचर भी क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब क्या बन रहे हैं प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शन में तो नहीं बने क्या मालूम प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है ना इन सॉल्वर, क्या होता है इन सॉल्वर, इन सॉल्वर जो क्या होता है ना वाटर में, ना वाटर में सॉल्वर नहीं होते। प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है इन सॉल्वर, जैसे BaCl2 इनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है तो जिस फॉर्म में निकलते हैं ना ये क्या निकलते हैं प्रिंसिपेट, क्या निकलते हैं प्रिंसिपेट मतलब PPT भी बोल सकते हैं उसको, PPC बोलते हैं उसको, PPC बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपेट। तो क्या होता है प्रिंसिपेट मतलब इन सॉल्वर, ये रिएक्शन समझ में आ गए। अब आपको सबसे बड़ी बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की समझ में आ गई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की समझ में आ गई, तो डियर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। मैं बोर्ड से बाहर आ गया हूँ, मैं बोर्ड से बाहर आ गया हूँ, हट गया। तो केमिकल रिएक्शन हो गया, अब हम क्या देखेंगे केमिकल इक्वेशन, क्या देखेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताया हूं। अब किससे चलते हैं कि सेम एज इट इज, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या आएगा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में पहला पॉइंट देखिए ए केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक, देखो कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन वही हो रहा था मतलब क्या करते थे पेपर को बर्न करते थे और क्या करते थे एस बनाते थे, जला के एस बनाते थे ना, तो पेपर जब बर्न होकर एस बनता तो वहां से पेपर हो नहीं सकता था, तो क्या हो रहा था रिएक्शन हो रहा था ना, ऑटो से जो भी जलना था जलता था, तो क्या तो वो जो प्रोसेस होगा ना उसको हम कैसे जानेंगे, अब उसी को हम क्या करेंगे इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे ना, इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे राइट। अब सुनो तो उसी को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक, देखो केमिकल इक्वेशन है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना किसका केमिकल रिएक्शन का करेंगे ना, अब वो केमिकल रिएक्शन हुआ था ना पेपर जल के एस बनता था। अब जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना बोलो ऑक्सीजन है, अभी वाटर से क्या कर रहा है वाटर से, अब तो हमने ऐसे लिख दिया वाटर से रिएक्शन के सॉरी ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से क्या कर रहा है रिएक्शन कर रहा है ना इसे हाइड्रोजन से, अभी क्या बना रहा है वाटर, वाटर बना रहा है ना, तो ये तो इसका केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हो गया, बट इसको हम सिंबॉलिक, ये हाइड्रोजन है इनको सिंबॉलिक फॉर्म में तो लिखेंगे ना, अब सिंबॉलिक फॉर्म तो आपको दिया गया है किसमें पीरियोडिक टेबल में, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ना, जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे हाइड्रोजन को पहले H2 लिख लेंगे, देखो H2 लिख लेंगे प्लस ऑक्सीजन को क्या करेंगे O2 लिखेंगे ना, और फिर क्या बनेगा H2O। अब देखो इसमें भी तो पहले से ही है ना, उसमें 2 हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है तो राइट, इनको हम बैलेंस ऑफ इक्वेशन में आपको सिखाएंगे, अभी के लिए इनका टेंशन मत लो, अभी के लिए आप इनका टेंशन मत लो। तो ये देखो ये सिंबॉलिक ये तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन, बट इनका क्या होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा सिंबॉलिक, तो ए सिंबल हो गया हाइड्रोजन का, ए ऑक्सीजन का, ए ऑक्सीजन का, और फिर क्या बनाया, फिर क्या बनाया वाटर बनाया, तो ये इनका क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और आप देखो जैसे देखो
सोडियम का, सोडियम का ना, अब यहीं पे लिखो सोडियम का रिएक्शन किससे होता है, सोडियम का ये सोडियम है प्लस रिएक्शन कराओ क्लोरीन, राइट, तो क्या बन रहे सोडियम क्लोराइड, क्या बनेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन रहे, सोडियम क्लोराइड बन रहे ना, अभी क्या हो गया केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो इनको सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा ना, सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन भी देने का ना, हाँ बिल्कुल झुकेगा नहीं, यस बाबू झुकेगा नहीं बिल्कुल, सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये क्या होगा सोडियम, अभी क्या लिखा सोडियम हो गया Na प्लस CO2 क्या बना रहा है NaCl, तो इनका क्या होगा सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया इनका सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है इसमें सिंबोलिक, सिंबोलिक ऑफ फॉर्मूला ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड इज द सेम, जो सिंबोलिक होगा ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उनका फॉर्मूला क्या होते हैं, देखो सिंबोलिक ऑफ फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज द सेम। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी क्या मिल रहे हैं NaCl मिल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो वहां पे भी क्या मिल रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल रहे ना, तो क्या सेम ही तो है ना, क्या है सेम ही है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, देखो कोई भी चीज है ना फंडा क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेना जरूरी है, एग्जाम्पल लेना जरूरी है राइट। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मेथेन गैस, मेथेन गैस क्या होता है CH4, मैं आपको बताया था एल्कीन एल्कीन एल्काइन में एथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन कैसे बनते हैं, एल्केन मतलब एल्के लास्ट से एन लेंगे और एक कार्बन है तो मेन, एक कार्बन है तो मेन और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, इसमें मेथेन में क्या होता है एक कार्बन तो मेन बदले लिए क्या एल्के से एन, तो क्या होंगे मेथेन हुए, क्या हुए मेथेन हुए ना, क्या हुए मेथेन हुए। अब देखो इसमें मेथेन में मेथेन गैस मीथेन कैन बी रिटेन यूजर, अब इनको देखो पहले मतलब क्या लिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, फिर इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे सिंबोलिक में, किसमें कन्वर्ट करेंगे सिंबोलिक में, तो इसमें क्या है देखो मीथेन प्लस ऑक्सीजन ये तो डायरेक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन है ना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन ये क्या होंगे रिएक्टेंट होंगे, क्या होंगे रिएक्टेंट, अब यहां से कन्वर्ट हो क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट में बन रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोडक्ट ना। अब इनका हम क्या करेंगे सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या करेंगे सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है किसमें गैसीय स्टेट में। अब देखो ऑक्सीजन है 2O2 मतलब ये भी क्या है ऑक्सीजन क्या होता है गैस होता है। अब देखो इसको हीट करेंगे बर्न करेंगे तो क्या बन रहा है CO2 गैस बन रहा है, CO2 गैस बन रहा है फिर क्या बन रहा है 2H2 मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसमें लिक्विड में बन रहे हैं, किसमें बन रहे हैं लिक्विड में बन रहे हैं, तो इतना समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ इक्वेशन, केमिकल बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं बिल्कुल सीखेंगे, पहले बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बाद मतलब द BDS बहुपदी ट्रिक के थ्रू द्वारा क्या करेंगे मतलब डायरेक्ट सॉल्व करना एक लाइन में मतलब 30 सेकंड में आंसर निकालना सीख जाएंगे, 30 सेकंड में आंसर निकालना सीख जाएंगे, तो आप इसको कॉपी करो या डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो तो आप पढ़ाई अच्छे से करते रहो, आप पढ़ाई अच्छे करते रहो, तो ओके डियर ऑल द बेस्ट, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।